Hi guys, I hope you all are doing very well. Guys, in this video, we will be covering the next part of chapter number 8 of ACCA F9, and the name of the chapter is Working Capital Management Inventory Control. And in this video, I will try to finish this chapter. So guys, the next part we will do, that is dealing with quantity discounts. अब गाइस क्वांटिटी डिस्काउंट्स क्या होते हैं. सो अभी तक हमने नॉर्मल सिचुएशन में क्या देखा था कि हमें निकालने को क्या बोला गया था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालते थे, इट वाज 2 इनटू हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट इनटू यूनिट्स डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर पर एनम. सो ये जो हमारा आंसर आता था, दैट वाज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. ठीक है, अब हमें ये देखना है नेक्स्ट जो हमारा केस है, दैट इज कि अगर हमारे को क्वेश्चन में ये बोला जाता है कि अगर जैसे मान लो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेरी, लेट से ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आई है. मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मेरी टोटल कॉस्ट आएगी, विच इंक्लूड्स परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट वो टोटल मेरी जो है सबसे लोएस्ट आएगी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे. हमने यही पढ़ा था. अब यहाँ पे मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो हमारी परचेज कॉस्ट होती है ये तो नॉर्मली सेम ही रहेगी हर सिचुएशन में, क्योंकि परचेज कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं है. इन दोनों चीज़ों में हमारा फ़र्क पड़ता था. अब नेक्स्ट सिचुएशन जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसमें हमें क्या बोला गया है, उसमें ये बोला गया है कि हमें कुछ क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है कि हम अगर इससे ज़्यादा क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो हमारे को कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा. दैट मीन्स इट विल अफेक्ट दी परचेज कॉस्ट, कि जो हम परचेज कर रहे हैं वो कॉस्ट पे हमारी फ़र्क पड़ जाएगा. और अगर हमारी परचेज कॉस्ट में फ़र्क पड़ गया, दैट मीन्स हमारी EOQ विल चेंज, हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी. तो इन दिस क्वेश्चन, अब जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें हमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा इस पूरे सिनारियो में हम पहले अपना नॉर्मल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग क्या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ रहा है. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम डिस्काउंट इन्वॉल्व करते हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने के बाद, सॉरी, हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है. आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि अगर हम अपना बल्क डिस्काउंट, दैट मीन्स जो क्वांटिटी डिस्काउंट है वो अवेल करते हैं, तो क्वांटिटी डिस्काउंट अवेल करने के बाद हमारे को कितनी टोटल कॉस्ट आ रही है. अगर वो कम आ रही है तो हम ऐसे ऑर्डर करेंगे, अदरवाइज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से. ठीक है, सो यहाँ पे सारा यही लिखा हुआ है. टू वर्क आउट द आंसर यू शुड कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. आफ्टर दैट इफ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज बिलो द परचेज कॉस्ट, बिलो द क्वांटिटी क्वालिफाइंग फॉर अ डिस्काउंट, जो डिस्काउंट के बाद क्वालिफाई करने के लिए था, सो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट. हमें टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट निकालनी पड़ेगी EOQ से. उसके बाद हमें टोटल एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट EOQ के बाद निकालनी पड़ेगी डिस्काउंटेड वे पे. तो बेटर है इसका क्वेश्चन करते हैं, तुम्हें शायद समझ नहीं आएगा मैंने क्या बोला. सो लेट्स डू द क्वेश्चन, उससे तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा. तो देखो क्वेश्चन क्या है गाइस, क्वेश्चन इज, एक सेकंड गाइस, सो क्वेश्चन इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग नंबर 3. डब्ल्यू कंपनी इज अ रिटेलर, एक सेकंड गाइस, डब्ल्यू कंपनी इज अ रिटेलर ऑफ बैरल्स. द कंपनी हैज अ एनुअल डिमांड ऑफ 30,000 बैरल्स. तो अगर मैं बोलूँ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 का, मेरा यहाँ पे क्या क्या फिगर्स गिवन है कि एनुअल डिमांड जो मुझे गिवन है दैट इज 30,000 बैरल्स. द बैरल कॉस्ट 2 ईच, तो द कॉस्ट ऑफ द बैरल इज 2. फ्रेश सप्लाइज कैन बी ऑब्टेन इमीडिएटली, जब भी हमें सप्लाई चाहिए ऑन द स्पॉट मिल जाएगी. विद ऑर्डरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अमाउंट टू 200 पर ऑर्डर, दैट मीन्स ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हमारी आएगी दैट विल बी 200 पर ऑर्डर इन डॉलर्स ऑफ कॉस्ट. तो मैं लिख देता हूँ 200. और जो हमारी द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन बैरल, के पूरे साल के एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन बैरल इन स्टॉक इज एस्टिमेटेड टू बी 1.20. तो एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन बैरल या फिर होल्डिंग कॉस्ट पर बैरल पर एनम वो हमें दी हुए डॉलर 1.20.
So at 2% discount, so a 2% discount is available on orders of at least 5,000 barrels. कि अगर हम 5,000 barrels order करते हैं तो हमें 2% discount मिलेगा, और अगर हम 7,500 barrels या उससे ज़्यादा order करते हैं तो हमें 2.5% discount मिलेगा. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट EOQ इग्नोरिंग डिस्काउंट. पहले डिस्काउंट के बिना हमें EOQ देखना है, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि EOQ के साथ हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, EOQ के साथ हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आती है. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इतने ऑर्डर करते हैं बैरल्स या इतने बैरल्स ऑर्डर करते हैं तो हमारे को डिस्काउंटेड प्राइस के बाद कितनी टोटल कॉस्ट पर एनम पड़ती है, एंड उसके बाद वी विल गिव आवर आंसर. तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसमें फर्स्ट इज EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो EOQ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into कौन सी कॉस्ट आती है हमारी, 2 into ऑर्डरिंग कॉस्ट विच इज 200 into टोटल एनुअल डिमांड विच इज 30,000 डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर बैरल पर एनम विच इज 1.20. तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ गया यहाँ पे, इट इज 2 into 200 into 30,000 डिवाइड बाय 1.20 अंडर रूट, ये हमारा 3162.27, दैट मीन्स 3162 बैरल्स, इतने बैरल्स हम एक बारी में ऑर्डर करेंगे. सो दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. सो टोटल कॉस्ट एट EOQ पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी वो हम देखते हैं. तो EOQ सबसे पहले मेरी आएगी परचेज कॉस्ट, आई चेंज द कलर. सो परचेज कॉस्ट विल बी टोटल यूनिट जो मैंने पूरे साल में ऑर्डर करना है, दैट इज 30,000. कॉस्ट पर बैरल मुझे दिया हुआ है 2, दैट मीन्स $60,000. तो मेरी आगे टोटल परचेज कॉस्ट. उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी कितनी आएगी, सो पर ऑर्डर मुझे पे करने पड़ते हैं 200 इनटू टोटल डिमांड मेरी है 30,000, और एक बारी में मैं ऑर्डर कर रहा हूँ 3162. सो सिंपल 30,000 एक टोटल ऑर्डर करने पूरे साल में, पर ऑर्डर मैं इतने ऑर्डर कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को मिल जाएगा कि मेरे को टोटल कितने ऑर्डर्स करने पूरे ईयर में इनटू 200. सो 30,000 डिवाइड बाय 3162, दैट मीन्स अराउंड 9.59 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे इनटू 200. सो दैट विल बी 1919.38. सो 1919.38 या 0.38 आते हैं. सो 1919 इज़ माई ऑर्डरिंग कॉस्ट. और अगर मैं अपनी होल्डिंग कॉस्ट की बात करूँ तो होल्डिंग कॉस्ट मेरी क्या होगी, इट विल बी 1.20 इंटू, मैंने बताया था एवरेज क्वांटिटी. सो एवरेज क्वांटिटी विल बी मेरी 30,000 मेरे टोटल यूनिट्स हैं, सॉरी 30,000 नहीं, जितने मैं यूनिट्स ऑर्डर कर रहा हूँ पर ऑर्डर. सो पर ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी ऑर्डर कर रहा हूँ, 3162 डिवाइड बाई 2. तो जितनी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ डिवाइड बाई 2, ये मेरी हो जाएगी होल्डिंग कॉस्ट. सो 3162 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.20, सो दिस इज 1897. तो 1897 मेरी आ जाएगी होल्डिंग कॉस्ट. सो टोटल कॉस्ट विल बी 60,000 प्लस 1919 प्लस 1897, सो दैट विल बी 63816. तो 63816 आ रही है मेरी टोटल कॉस्ट पर एनम. कितनी आ रही है, टोटल कॉस्ट पर एनम. तो 63816 इज़ माई टोटल कॉस्ट. सॉरी गाइस, आई थिंक यहाँ मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है. सो 30,000 इंटू 200 डिवाइड बाई 3162, इट इज़ 1897. सो गाइस, टेक्निकली होता क्या है, जैसा मैंने जब चार्ट बनवाया था, ग्राफ बनवाया था, मैंने बताया था ये जाती है हमारी होल्डिंग कॉस्ट और ये जाती है हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट. तो EOQ ये वाला पॉइंट है जहाँ पे ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट हमारी सेम होती है. तो यहाँ पे ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट सेम होती है, तो ये सेम ही आएगी. सो 1897 प्लस 1897, सो 3794, कुछ मिस्टेक थी मेरी. सो 3794 प्लस 60,000, दैट मीन्स 63794 ये आ रही है मेरी टोटल कॉस्ट अगर मैं EOQ के पॉइंट पे अपना आंसर निकालता हूँ. सो अगर मैं EOQ फॉलो करता हूँ तो टोटल कॉस्ट मेरी आ रही है 63794. ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट. अगर मैं अब टोटल कॉस्ट EOQ की जगह अगर मैं टोटल कॉस्ट निकालता हूँ 5,000 बैरल पे, सो टोटल कॉस्ट एट 5,000, अगर मैं 5,000 देखता हूँ तो
तो यहाँ पे देखता हूँ मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। तो 5000 बैरल में मुझे बताया गया कि मुझे परचेज पे 2% डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट मीन्स माई परचेज कॉस्ट विल बी 30,000 इंटू 2 माइनस 0.02। तो 2 माइनस 0.02, एक तरह से तो जो मेरा डिस्काउंट है, अगर मैं 2 डिवाइड बाय 100 करता हूँ, 2 डिवाइड बाय 100, तो 2 डिवाइड बाय 100 विल बी मेरा 0.02। सो दैट मीन्स 2 माइनस 0.02, सो दैट इज़ 1.98 इंटू 30,000। तो टोटल जो मेरी परचेज कॉस्ट यहाँ पड़ेगी, इट विल बी $59,400। कि इतना मेरे को डिस्काउंट हो गया, नहीं सॉरी शायद मैंने गाइड डिस्काउंट गलत निकाले, रुको। सो दिस इज 2 माइनस 2 इंटू 2%। सो $2 का 2% मुझे डिस्काउंट मिलेगा। सो 2 इंटू 2%, दैट मीन 0.04, सॉरी गाइज माई मिस्टेक। सो 30,000 इंटू 2 माइनस 0.04 होगा, इट वॉज माई ब्लंडर मिस्टेक। 2 माइनस 0.04 इंटू 30,000, तो दैट मीन्स 58,800। सो यहाँ पे इस जगह पे जो मेरी टोटल परचेज कॉस्ट आ रही है, इट इज़ 58,800। अब उसके बाद मैं निकालूंगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी कॉस्ट पर ऑर्डर इंटू टोटल डिमांड डिवाइडेड बाय, एक बारी में मैं कितने ऑर्डर कर रहा हूँ, 5,000। सो 200 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 5,000। सो यहाँ पे जो मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 1200। और अगर मैं यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट की बात करूँ, होल्डिंग कॉस्ट वो मेरी आ रही है 1.20 इंटू, अब हम ऑर्डर कर रहे हैं 5,000 डिवाइड बाय 2। सो 5,000 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.20, सो दैट मीन्स 3,000 मेरी आ रही है ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो टोटल जो मेरी कॉस्ट यहाँ पे आ रही है अब, इट विल बी 58,800 प्लस 1200 प्लस 3,000, इट इज़ 63,000। सो देखा जाए पहले मेरी कॉस्ट आ रही थी 63,794, लेकिन अगर मैं 5,000 वाली क्वांटिटी ऑर्डर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे देखा जाए तो इधर डिस्काउंट मिल गया, जिसकी वजह से मेरी कॉस्ट कम आ गई। देखो इन दोनों का टोटल कितना आएगा, अराउंड 37 लगा लो, इसका अराउंड अप्रॉक्सीमेट 37 आ रहा है, इसका टोटल देखो 42 आ रहा है। तो टेक्निकली ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट तो बढ़ी रही है, अगर मैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से अलग वैल्यू फिगर कर रहा हूँ तो मेरी ये दोनों कॉस्ट तो बढ़ रही है, बट द पॉइंट इज बिकॉज ऑफ डिस्काउंट मेरी परचेज कॉस्ट कम हो गई, इस वजह से टोटल कॉस्ट में फ़र्क पड़ गया। तो 5,000 अगर मैं यूनिट सेलेक्ट करता हूँ तो येस आई विल गेट अ डिस्काउंट, और मेरे को यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट विल बी कितना बेनिफिट मिल रहा है, 794। तो 794 का मुझे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा अगर मैं इतने ऑर्डर करता हूँ। अब अगर मैं देखूं कि मैं टोटल कॉस्ट मेरी 5,000 की जगह अब टोटल कॉस्ट एट 7,500, अगर मैं 7,500 बैरल्स पे देखूं, जहां मुझे डिस्काउंट जो है अब थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, देखिए उसमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ओके लेट्स डू इट। सो परचेज कॉस्ट मेरी टोटल क्या आएगी, सो परचेज कॉस्ट विल बी 30,000 इंटू 2 माइनस 2 इंटू, अब मुझे डिस्काउंट मिलेगा 2.5%। सो 2 इंटू 2.5%, ये आता है 0.05 माइनस 2, तो दैट मीन्स 1.95 इंटू 30,000। सो दैट मीन्स यहाँ जो मेरी टोटल परचेज कॉस्ट पड़ेगी, इट विल बी 58,500। सो परचेज कॉस्ट पड़ रही है 58,500, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी पर ऑर्डर इंटू टोटल डिमांड यूनिट्स पर एनम डिवाइड बाय, एक बारी में मैं कर रहा हूँ 7,500। सो 200 इंटू 30,000 डिवाइड बाय 7,500, अब मेरा आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी हो गई कम। होल्डिंग कॉस्ट विल बी 1.20 इंटू, अब मैं ऑर्डर कर रहा हूँ 5,000 की जगह 7,500 पर ऑर्डर डिवाइड बाय 2। सो 7,500 डिवाइड बाय 2 इंटू 1.20, सो दैट इज़ 4,500। तो यहाँ पे जो मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है, इट विल बी 58,500 प्लस 800 प्लस 4,500, इट इज़ 6,380। सो तीनों ऑप्शन अगर मैं देखूँ
तो यहाँ पे मेरा टोटल खर्चा आ रहा था ई ओ क्यू पे 6374 00 6794, यहाँ आ रहा था 63,000, तो 5,000 पे मेरा आ रहा है एट ई ओ क्यू, मेरा आंसर आ रहा है ये एट 5,000 63,000, और एट 7500 मेरी जो टोटल कॉस्ट आ रही है इट इज़ 6380 00 6380 00। तो तीनों केस में अगर मैं देखूँ मेरा जो बेस्ट वैल्यू है वो आ रही है यहाँ पे, तो आई विल चूज़ दिस थिंग कि 5,000 यूनिट्स में ऑर्डर करूँगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू क्वेश्चंस जहाँ पे ई ओ क्यू विद डिस्काउंट हो। तो यहाँ के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है आंसर स्पेसिफिक, हमें इसी तरह से अपना आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 है गाइज, ये कर लेना, ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, जस्ट फिगर्स का फ़र्क है, तो जस्ट डू इट बाय योरसेल्फ, कुछ खास नहीं है इसमें। आगे देखते हैं अभी चैप्टर कितना रह गया, रीऑर्डर लेवल स्लो मूविंग JIT। एक काम करते हैं, मैं वीडियो थोड़ी छोटी बनाता हूँ कि मेरे को कोल्ड एकदम से हो गया, एलर्जी होगी शायद। तो ये करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को जल्दी से कंप्लीट करा दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है गाइस, दैट इज़ कैलकुलेटिंग द रीऑर्डर लेवल। अब देखो गाइस, तो कैलकुलेटिंग द रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है एक बार इसको देखते हैं जल्दी से। तो देखो गाइस, एक सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि लेट से ये मेरा सप्लायर है, ठीक है, ये बिल्कुल मेरा जो फैक्ट्री है उसके पास ही इसका ऑफिस है, ये मेरी फैक्ट्री है, दिस इज माय ऑफिस माय फैक्ट्री, और सप्लायर बिल्कुल मेरी फैक्ट्री के पास रहते हैं। तो पॉइंट इज, अगर मान लो मेरे को किसी कस्टमर से आज की डेट में कोई एकदम से ऑर्डर आया, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सप्लायर को बोलूँगा तो वो विद इन 2 आवर्स मेरे को जो भी इन्वेंट्री चाहिए वो भेज देगा, और उसके बाद मैं अपना काम कर लूँगा। दैट मीन्स इस केस में मुझे अपने पास कोई भी एक तरह से बफर स्टॉक, या बफर स्टॉक नहीं बोल सकते इसको, एक सेपरेट स्टॉक, या उसको मैं सेफ स्टॉक बोलता हूँ, मुझे सेफ स्टॉक अपने पास रखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। क्यों? जब भी मेरे को स्टॉक चाहिए मेरे को सीधा सीधा मैंने इसको बोलना और ये मेरे को भेज देगा। मान की अजम्पशन ऑफ कॉस्ट मैं ये लेके चल रहा हूँ कि सप्लायर भाग नहीं जाएगा या सप्लायर के पास कुछ कमी ना हो, मैं मान के चल रहा हूँ कि थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन ख़राब ना हो, तो इन दैट केस मैं सीधा सीधा सप्लायर को बोलूँगा, वो विद इन 2 आवर्स मेरे को सामान भेज देगा, ठीक है, और मैं अपना काम पूरा करके उस ऑर्डर को पूरा कर लूँगा। अब सोचो इसी सिचुएशन में अगर तुम्हें एक बात बोलूँ कि यहाँ पे विद इन 2 आवर्स की जगह, 2 आवर्स की जगह वो ये बोलता है मैं आपको 2 वीक्स बाद वो सप्लायर सामान देता है, कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि सप्लायर भी एकदम से मैं सामान नहीं दे सकता, तो सप्लायर जो भी सप्लायर है वो ये बोलता है कि हमें जो सामान मिलेगा वो 2 हफ्ते बाद मिलेगा। अब सोचो मेरे को आज की डेट में ऑर्डर आया, तो मैं ये तो नहीं है ना कि ऑर्डर को 2 हफ्ते डिले करूँगा कि नहीं 2 हफ्ते बाद आना, आज ऑर्डर करूँगा 2 हफ्ते बाद सामान आएगा तब तक बेले बैठने, दैट इज़ नॉट अ गुड बिजनेस। तो मैं क्या करूँगा, मैं कोशिश ये करूँगा कि इन 2 वीक्स के लिए जो भी डिमांड है, इन 2 वीक्स की जो भी डिमांड होती है, तो उस डिमांड का स्टॉक मैं अपने पास एक बफर बना के रखूँगा, एक लेवल बना के रखूँगा कि जैसे ही इस लेवल पे हम पहुँचे कि 2 वीक्स की डिमांड जितना स्टॉक मेरे पास है मैं दोबारा से अपना यहाँ पे ऑर्डर कर लूँगा, कि मेरे को पता है 2 हफ्ते लगेंगे, तो 2 हफ्ते तक जो मेरी 2 वीक्स की डिमांड जितना सामान है वहाँ से मैं काम चला लूँगा, और जैसे ही 2 हफ्ते ख़त्म होंगे ये स्टॉक ख़त्म हो जाएगा और मेरे पास दोबारा से मेरा स्टॉक आ जाएगा। सो दैट इज़ द रीऑर्डर लेवल इन केस देर इज़ अ लीड टाइम, अगर कोई लीड टाइम है, दैट मीन्स ऑर्डर प्लेस करने से हमारी फैक्ट्री के आने तक, तो उस केस में वॉट वी विल डू, उस लीड टाइम के लिए जितनी भी डिमांड है उतना हम स्टॉक अपने पास एक लेवल मेंटेन रखेंगे, ठीक है। अब सीधा सीधा इसकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वहाँ से हमें कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आएगा। सो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है, इट इज़ सेइंग यूजिंग द डेटा फ्रॉम W कंपनी अज्यूम दैट कंपनी अडॉप्ट EOQ एज इट्स ऑर्डर क्वान्टिटी एंड दैट नाउ इट टेक्स 2 वीक्स फॉर एन ऑर्डर टू डिलीवर। तो W कंपनी कौन सी थी, आई थिंक ये वही क्वेश्चन था जो हमने करा था, हाँ ये W कंपनी वाला वही क्वेश्चन है जो हमने करा था, ये उसी की बात कर रहे हैं। इसने क्या बोला, ये मैंने सॉल्यूशन ऊपर करा हुआ है, सो दैट विल हेल्प। सो हम W कंपनी की बात कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट कंपनी अडॉप्ट EOQ, कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी अडॉप्ट करती है, मतलब इस क्वेश्चन में जो हमने ऊपर पढ़ा था, कंपनी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी मतलब ये वाली 3162 barrels कॉन्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द कंपनी अडॉप्ट EOQ एट इट्स क्वान्टिटी एंड नाउ इट टेक्स 2 वीक्स फॉर द ऑर्डर टू डिलीवर,
तो पहला, हाउ फ्रीक्वेंटली विल द कंपनी प्लेस द ऑर्डर, कि कंपनी को ऑर्डर कब कब प्लेस करना पड़ेगा, कंपनी को ऑर्डर कब कब प्लेस करना पड़ेगा। तो इसका जो ए पार्ट है उसका आंसर कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले मैं निकालूंगा टोटल ऑर्डर्स, क्या निकालूंगा मैं टोटल ऑर्डर्स। अब टोटल ऑर्डर्स मेरे कितने होंगे गाइस पूरे साल में, टोटल ऑर्डर्स विल बी 30,000 मेरी डिमांड थी, डिवाइड बाय 3162 वाज माय आंसर। तो 30,000 डिवाइड बाय 3162 दैट मींस अराउंड 9.48। सो अराउंड 9.48 मैं टोटल ऑर्डर करूंगा, कितने करूंगा गाइस 9.48। अब इतने मैंने टोटल ऑर्डर करने हैं, अगर मैं इन डेज इसको कंपेयर करूं इन डेज, तो 365 डिवाइड बाय 9.48। सो गाइस अगर मुझे इन डेज देखना है कि टोटल साल में मेरे को इतने ऑर्डर करने हैं, तो 365 डिवाइड बाय 9.48, सो ये मेरा अप्रॉक्सीमेट आता है 38.50 डेज। सो अगर मैं इसको बोलूं, सो दैट मींस 38 डेज। तो हर 38 डेज बाद मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा 3162, क्योंकि मेरा स्टॉक इतने ही दिन चलेगा। कैसे, मैंने टोटल ऑर्डर्स निकाल दिए कितने हुए और डेज डिवाइड बाय टोटल ऑर्डर, वहां से मेरा आंसर आ गया। दूसरा इसका शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है, इट इज़ 365 इंटू, ध्यान से सुनना, 365 इंटू ऑर्डर पर ऑर्डर, यूनिट्स पर ऑर्डर डिवाइड बाय टोटल डिमांड। सो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो दिस इज़ अ शॉर्टकट मेथड, दिस इज़ लॉजिकल मेथड एंड दिस इज शॉर्टकट मेथड। सो 365 इंटू 3162 डिवाइड बाय 30,000, सो दिस इज 38.47। सो यहाँ पे भी मेरा आ रहा है 38 डेज। सो दिस इज द टोटल डेज जिसके बाद मुझे अपना स्टॉक ऑर्डर करना पड़ेगा। अब बी पार्ट वो क्या पूछ रहा है, बी पार्ट इज वो ये कह रहा है हाउ मच इन्वेंट्री विल इट हैव टू हैव ऑन हैंड इफ ऑर्डर इज प्लेस। अगर 2 वीक का मेरा जो है लीड टाइम है कि 2 वीक्स बाद मुझे मेरा स्टॉक मिलेगा, तो मेरा लीड टाइम कितना है 2 वीक्स। सो लीड टाइम मेरा है 2 वीक्स। सो सिंपल डिमांड फॉर या डिमांड इन लीड टाइम, तो लीड टाइम में मेरी डिमांड कितनी आएगी, सो टोटल डिमांड वॉज 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 52। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, सो 52 वीक्स के लिए मेरी डिमांड थी 30,000, तो 2 वीक्स के लिए कितनी होगी, तो 30,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 52 इट इज 1153 और यू कैन से 1154। सो दैट मीन्स 1153 के जिस पॉइंट पे मेरे इतने यूनिट्स हो जाएंगे, जैसे ही मेरे पास 1153 यूनिट्स हुए उसी पॉइंट पे आके मेरे को अपना आंसर निकालना पड़ेगा, और सॉरी आंसर कह रहा हूँ, इसी पॉइंट पे आके मेरे को स्टॉक रीऑर्डर करना पड़ेगा। और कितना ऑर्डर करूँगा मैं स्टॉक, आई विल ऑर्डर 3162 जो मेरा EOQ है। सो लीड टाइम पे जितनी डिमांड होती है उतने जैसे ही यूनिट्स मेरे टच कर जाएंगे, कम होते होते यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ आते ही मैं अपना ऑर्डर कर दूंगा, कितना जो भी EOQ है दैट इज 3162। सिंपल क्वेश्चन विद सिंपल आंसर, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन विद सिंपल आंसर, इसमें कुछ खास नहीं है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, बस मैं लास्ट टॉपिक करा रहा हूँ आज का, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। नेक्स्ट इज रीऑर्डर लेवल विद वेरिएबल डिमांड एंड वेरिएबल लीड टाइम। अब अभी तो हमें पता था कि हमारी जो डिमांड है वो फिक्स है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, और लीड टाइम भी हम ये मान के चल रहे हैं कि हर ऑर्डर में हमें 2 वीक्स ही लगेंगे। अब अगर मान लो हमारी डिमांड वेरिएबल है कि कभी डिमांड कुछ है, कभी डिमांड कुछ है, कभी डिमांड कुछ है, और लीड टाइम भी हमारा फिक्स नहीं है, कभी 2 वीक्स है, कभी 4 वीक्स है, इन मंथ्स में देर बाद सामान आता है, इन मंथ्स में जल्दी सामान आता है, तब क्या करेंगे, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन द एग्जामिनेशन, हमारे को ये कैलकुलेट एटलीस्ट यहाँ पे नहीं करना। सो व्हेन लीड टाइम एंड डिमांड आर नोन विद सर्टेनिटी, तो रीऑर्डर लेवल इज डिमांड ड्यूरिंग द लीड टाइम, कि लीड टाइम में क्या डिमांड होगी। वेयर देयर इज अनसर्टेनिटी एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ बफर इन्वेंट्री मस्ट बी फाउंड, दिस डिपेंड्स अपॉन वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड, डिमांड कितनी वेरिएबल है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, होल्डिंग कॉस्ट क्या है, और हमारी कैरिंग कॉस्ट क्या है, और कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट्स क्या होगा। सो इट विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द कैलकुलेशन इन एग्जामिनेशन। सो इफ देयर वर सर्टेनिटी देन द लास्ट यूनिट ऑफ इन्वेंट्री वुड बी सोल्ड एज द नेक्स्ट डिलीवरी इज मेड। इन रियल वर्ल्ड दिस आइडल कैन नॉट बी अचीव्ड, डिमांड विल वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड एंड रीऑर्डर लेवल मस्ट अलाउ सम बफर।
मतलब अगर हम रीऑर्डर लेवल हम ये मान के चलते हैं, ये सोच के चलते हैं हम कि पता ही है हमें कि 2 वीक्स में ही सामान आ जाएगा, लेकिन मान लो अगर 2 वीक्स में सामान नहीं आया, हमें लगता है कि यार 2 के 3 भी हो सकते हैं, 2 तो मिनिमम है, 2 के थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं और एनुअल डिमांड में भी चेंजेस हो सकते हैं, तो वो हमारी एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन होती है। दिस इज़ नॉट अ रियल लाइफ सिचुएशन, ये तो सिचुएशन हमने क्रिएट की है अपना आंसर निकालने के लिए। अज्यूम कर रहे हैं डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा और ना हमारा लीड टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ थिंग। तो डिमांड विल वेरी फ्रॉम पीरियड टू पीरियड, सो रीऑर्डर लेवल मस्ट अलाउ सम बफर इन्वेंट्री, द साइज ऑफ विच इज़ फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग द बफर, रनिंग आउट ऑफ इन्वेंट्री एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिंग डिमांड लेवल। बस इतना ही है, अब इसके बारे में हमें और कुछ नहीं करना। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करा रहा गाइस, ठीक है। मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करा दूँगा। चलो बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम।